मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तरह से शिक्षा व्यवस्था को स्वदेशी बनाना चाहते हैं। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है, मैकॉले ने जो पाठ्यक्रम तय किया वही हम पढ़ते हैं, और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं, कॉपी पे लिखना माने उल्टी करना, 100 में से 96 नंबर ले आते हैं, अब उसका शहद लगा के चाटें तो क्या निकलता है उसमें से 96 नंबर, जिंदगी में काम नहीं आती वो शिक्षा। मैं मेरा उदाहरण देता हूं, सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया, मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। क्या पढ़ाई हुई है मेरी, मैंने बचपन में पढ़ा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। मेरे गणित के प्रोफेसर ने मुझको पढ़ाया, मैंने रटा, रट रट के दिमाग खराब किया, घंटों घंटों बर्बाद किए, किलो किलो कागज मैंने लिख लिख के खराब किए, और वो मेरी जिंदगी में आज तक काम नहीं आया, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या करूं मुझे मालूम ही नहीं। मेरे गणित के प्रोफेसर को एक दिन मैंने कहा कि आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, मेरी जिंदगी में तो काम नहीं आया। तो मेरे गणित के प्रोफेसर कहते हैं, यार काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया, ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हो इस देश में, जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हो इस देश के बच्चों। बचपन में मुझे पढ़ाया गया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, क्या करूं इसका। मान लीजिए मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, करूं क्या, मालूम है मुझे क्या करूं इसका। मैं सब्जी खरीदने जाता हूं बाजार में, सब्जी वाले को कहता हूं देखो मुझको मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो सब्जी देगा क्या मुझे। फालतू में रटा रटा के मेरा दिमाग खराब कर दिया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति को, और मुझे इतना दुख होता है, तकलीफ होती है कि कोई मुझे ये पूछना शुरू करे कि तुम्हारे परिवार का पहला राष्ट्रपति कौन, मुझे नहीं मालूम। मेरे परिवार के राष्ट्रपति से मतलब मेरे दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा कहीं से हमारा कुल शुरू हुआ ना, तो मेरे कुल का पति माने मेरा पहला पिता वो कौन, नहीं मालूम। और अमेरिका का पहला राष्ट्रपति मालूम है, और मुझे तो इतना दुख होता है कि अमेरिका का पहला ही राष्ट्रपति नहीं मालूम, 250 राष्ट्रपति मालूम है मुझे उनके, और मेरे कुल के 250 आदमी के नाम नहीं मालूम मुझे। मेरे पिताजी का नाम मालूम है, उनके पिताजी का, उसके आगे बढ़ता हूं तो सब ब्लैंक हो जाता है, याद ही नहीं मुझे। क्या करना है ऐसी शिक्षा से, काम की क्या है ये। बचपन में मुझको पढ़ाया कनाडा का क्लाइमेट कैसा, कनाडा का, भारत का नहीं, कनाडा का, कनाडा की जलवायु क्या है, क्या करूं उसका कनाडा की जलवायु का। मैं तो कभी कनाडा जाने वाला नहीं, कनाडा मेरे घर में कभी आने वाला नहीं, उसकी जलवायु पढ़ के करना क्या है। मैं शिवपुरी में रहता हूं, मैं भोपाल में ग्वालियर में रहता हूं, मुझे शिवपुरी की जलवायु मालूम है तो कुछ काम आने वाली है, कनाडा की जलवायु क्या काम आने वाली है। कभी जिंदगी में मौका मिला कनाडा जाने का, जिसका कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, तब जाके वो बात कभी काम आएगी, उसके लिए रट रट के पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर दिया घंटों घंटों। ऐसा फालतू इतिहास पढ़ाया, अकबर बड़ा महान था, होगा मैं क्या करूं, अकबर महान था ठीक है, मैं क्या करूं उसका, मेरी जिंदगी में उससे क्या फायदा होने वाला है अकबर की महानता से। मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं हमारी शिक्षा में वो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। आप ईमानदारी से अपने बारे में एक दिन ये करना, मेरी बात है इसलिए नहीं, आपने जो जो पढ़ा है अपनी जिंदगी में याद करो, उसमें से कितना आपके काम आया,
शायद आप 100 का नंबर निकालेंगे तो 5 भी काम नहीं आया, 5% भी काम नहीं आया। जो काम नहीं आया पढ़ा क्यों, फिर रटा क्यों उसको? और आप ऐसे सोचो, दूसरा उल्टा सोचो कि हमने जितना पढ़ा वो कितना हमें याद है, याद उतना ही रहेगा जो रोज काम आता है, बाकी कचरे को दिमाग निकाल के ऐसे ही फेंक देता है। जो याद ही नहीं रहे और काम नहीं आए उसको पढ़ना और पढ़ाना क्यों? तो मैंने सोचा कि शिक्षा व्यवस्था बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों के ऊपर इतना बोझा हो गया है, इस बोझे ने बच्चों को ख़त्म कर दिया। कभी कभी तो मुझे इतना अफसोस होता है, अखबारों में खबर पढ़ता हूँ, 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? फेल हो गए। बच्चे थोड़ी फेल हुए हैं, परीक्षा की पद्धति फेल हुई है हमारी, बच्चे फेल नहीं हुए। बच्चों के बारे में तो सारी दुनिया कहती है कि वो तो कच्ची मिट्टी के घड़े के जैसे हैं, जैसा आप शेप दोगे वैसे हो जाएंगे। हमारे बच्चों को हमारे अध्यापक और परीक्षा वाले शेप नहीं दे पाए, इसलिए परीक्षा पद्धति फेल हुई है, बच्चे फेल नहीं हुए। मुझे तो कई बार ये कहने के मन करता है कि बच्चों को फेल करने वाले अध्यापकों को फेल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं ठीक से, समझाया नहीं बच्चों को ठीक से। और इस शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया धसान है, 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार हैं, 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार हैं। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज़्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन, वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है। कभी फेल, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर PhD करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया कभी, निकाल दिया स्कूल ने उसको, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता था। स्कूल ने निकाल दिया और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे बढ़ा ही नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान जो है ना, डिग्रियों से नहीं तोला जाता, ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज। मैं तो इसी देश की कहानी देखता हूं, धीरूभाई अंबानी 9 क्लास फेल हो गया, पेट्रोल पंप पे नौकरी करना शुरू किया और रिलायंस नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया जो सारी दुनिया में 4.5 लाख करोड़ का है। 9 क्लास फेल आदमी 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करके छोड़ गया। इसका माने ज्ञान का डिग्री से कोई संबंध नहीं है। घनश्याम दास बिरला 4 क्लास पढ़े, स्कूल और गांव छोड़कर निकल गए, लोटा लेकर कलकत्ता पहुंच गए और इतना बड़ा खानदान बना दिया, बिरला एम्पायर जो आज लाखों करोड़ का है, 4 क्लास पास आदमी ने किया। बिरला जी कहा करते थे कि क्लास पास करना कोई महत्व की बात नहीं है जीवन की तुलना में। तो हम जीवन को जीने वाली शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम बनाएं जिसमें डिग्री का महत्व ना हो, ज्ञान का महत्व हो, परीक्षा का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो, पढ़ाने का महत्व नहीं हो, सिखाने का महत्व हो। अध्यापक भी सीखें, विद्यार्थी भी सीखें, दोनों सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें, ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा पर आधारित होगी, ये अंग्रेजी पर आधारित नहीं होगी। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी, क्यों हमने रख लिया इस अंग्रेजी को? अंग्रेजी में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मार मार के सिखाते हैं, बच्चे बेचारे अक्सर उसमें फेल हो जाते हैं। हिंदुस्तान के बच्चे गणित में पास होते हैं, भौतिकी में पास होते हैं, रसायन में पास होते हैं, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। होना ही चाहिए उनको अंग्रेजी में फेल, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। मुझे आप एक अंग्रेज बताइए और दिखाइए जो हिंदी में पास हो जाए,
तो मैं अंग्रेजी में पास होके दिखा सकता हूं। जब कोई अंग्रेज हिंदी में पास नहीं हो सकता तो हम भारत के विद्यार्थियों से क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अंग्रेजी में पास हो? और अंग्रेजी भाषा नहीं है पास होने लायक, ये तो भाषा ही रद्दी है। इस भाषा का इतिहास जब मैंने पढ़ा, 5वीं शताब्दी में तो ये भाषा आई, माने मुश्किल से 1500 साल पुरानी है। हमारी भाषा तो करोड़ों साल पुरानी है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये तो 1500 साल पुरानी है। और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी, जिसकी कोई अपनी व्याकरण नहीं है जो शुद्ध हो और ठीक हो। आपको एक उदाहरण देता हूँ। अंग्रेजी में एक शब्द है पीयूटी, पुट, बीयूटी, तो पीयूटी पट होना चाहिए, सीयूटी कट, बीयूटी बट, तो पीयूटी पट, अगर पीयूटी पुट तो सीयूटी कुट, बीयूटी बुट, यही होना चाहिए ना। क्या मूर्ख लोगों की भाषा है, ग्रामर ही नहीं है। और परम मूर्खता की भाषा ये अंग्रेजी। एक शब्द है अंग्रेजी में, उसमें कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, तो यहां पे CH जो है ना का हो गया, ठीक है, तो केमिस्ट्री में CH का हो गया, तो चोपड़ा में कोपड़ा होना चाहिए, CHOPARA है ना, उसको चोपड़ा क्यों कहते हैं, कोपड़ा कहो, और CHOPARA को चोपड़ा कह रहे हो तो CHEMISTRY को केमिस्ट्री कहो। फिर एक जगह CH का है, एक जगह CHA है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या इनका हिसाब किताब है। मूर्खों की भाषा है ये अंग्रेजी। और इस भाषा की कितनी बड़ी कमजोरी है, अंग्रेजी में एक शब्द है SUN, माने सन, माने सूरज। अब किसी भी अंग्रेज माई के लाल को मेरी चुनौती है कि इसका दूसरा शब्द अंग्रेजी में से निकाल के लाए, SUN का पर्यायवाची है ही नहीं, लाएंगे कहां से। पूरी अंग्रेजी में सन का पर्यायवाची नहीं है, माने दूसरा शब्द नहीं है जो सूर्य को बता सके। अब हम संस्कृत की बात करें, सूर्य एक शब्द है, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, 84 शब्द हैं हमारे पास संस्कृत में, अंग्रेजी में एक ही है। एक शब्द है अंग्रेजी में मून, एक ही है चंद्रमा, और हम संस्कृत में 56 शब्द हैं चंद्रमा के लिए। अंग्रेजी का एक शब्द है वाटर, माने पानी, वो अकेला एक ही है, वो नदी का पानी हो या नाले का, कुएं का हो या तालाब का, सब पानी वाटर है। और यहां भारत में हर पानी के लिए अलग शब्द है, बारिश का पानी अलग, समुद्र का पानी अलग, नदी का पानी अलग, तालाब का अलग, सरोवर का अलग, नाले का पानी अलग, कीचड़ का पानी अलग, सब पानी के लिए अलग अलग शब्द है, अंग्रेजी में एक ही है वाटर। बहुत गरीब भाषा है अंग्रेजी, शब्द ही नहीं है उनके पास। कितने गरीब हैं, चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल, मौसा भी अंकल, फूफा भी अंकल, फूफा का फूफा भी अंकल, मौसा का मौसा भी अंकल, कोई शब्द ही नहीं है अंकल के अलावा। और चाची, मामी, मौसी, सब आंटी, कोई दूसरा ही शब्द नहीं है उनके। हम तो मूर्ख लोग इस अंग्रेजी में फंस गए, अकल नहीं हमारी तो मारी गई है। हमारे देश में जो अंग्रेजी पढ़ गए ना, अकल उन्हीं की मारी गई है, जो नहीं पढ़े वो बहुत होशियार। पता है, मैं कुछ लोगों के घरों में जाता हूं, मैंने जिंदगी में एक नियम बनाया, वो नियम यह है कि होटल में खाना नहीं खाऊंगा, होटल में ठहरूंगा नहीं, तो झक मार के मुझे घरों में ही ठहराना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि मैं खाता नहीं, होटल में ठहरता नहीं, तो हर बार नए नए घरों में जाता हूँ खाना खाने रहने के लिए। तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घर में भी जाता हूँ तो वो कैसे मूर्ख दिखाई देते हैं मुझे, उसका उदाहरण बताता हूँ। वो ना तो अंग्रेज है ना तो हिंदुस्तानी है, खिचड़ी है बीच की। और वो खिचड़ी कैसी है, किसी के घर में गया तो पिताजी का नाम घर में रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं यही पूछता हूं
कि रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया। फिर मैं उनको पूछता हूं, आपको मालूम है टिंकू का अर्थ क्या है? उनको नहीं मालूम, नाम रख लिया बच्चे का टिंकू, अर्थ नहीं मालूम। ऐसे मूर्ख लोग, अर्थ मालूम नहीं, नाम रख लिया टिंकू टिंकू टिंकू। फिर डिक्शनरी खोल के दिखाता हूं उनको। अंग्रेजों की सबसे पुरानी डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी, उसमें टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का। जो लड़का बाप की ना सुने मां की ना सुने वो टिंकू है। और हम क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे मूर्ख लोग, आज्ञाकारी लड़के को टिंकू 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 बोल बोल के आवारा बनाने की तैयारी कर। ऐसे अंग्रेजी मूर्खों के घरों में जब मैं जाता हूं तो ऐसे ही नाम मिलते हैं, बबली डबली डब्लू बबलू, क्या मतलब है डब्लू बबलू बबली डबली, डिंपल ट्विंकल, कुछ मतलब ही नहीं। कुछ भारत में नाम की कमी हो गई है क्या? और इससे भी बड़ी बड़ी मूर्खताएं मैं देखता हूं, कोई अधकचरे हिंदुस्तानी माने आधा अंग्रेज आधा हिंदुस्तानी के घर में जाऊं तो इंप्रेशन जमाने के लिए माने रौब जमाने के लिए अंग्रेजी झाड़ेगा, हाँ भले गलत सलत लेकिन झाड़ेगा जरूर, रौब पड़े उसके ऊपर। वो क्या कहेगा, हिंदी में भी बोल सकता है वो बात नहीं बोलेगा, वो कहेगा ओ राजीव दीक्षित शी इज माई मिसिज। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसिज, क्योंकि उसको मिसिस का अर्थ नहीं मालूम। मिसिस का अर्थ जानते हैं क्या है, हर देश की अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति होती है, तो उसमें से निकले हुए शब्द की भी अपने इतिहास और संस्कृति की व्यवस्था होती है। इंग्लैंड की सभ्यता कैसी है मालूम है? इंग्लैंड की सभ्यता में एक सबसे खराब बात है जो आपको कभी पसंद नहीं आएगी, कि वहां एक स्त्री और एक पुरुष जिंदगी भर साथ कभी भी नहीं रहते, बदलते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे वो एक दूसरे को बदलते रहते हैं। एक पुरुष की 20 स्त्रियां हो सकती हैं, एक स्त्री के 20 पुरुष हो सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं इंग्लैंड और यूरोप में जिनकी 40 40 शादियां हुई हैं, 41वीं करने को तैयार, ये उनके यहां चलता रहता। इसको उनकी भाषा में कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन। तो एक पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखता है, एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है। तो पत्नी को छोड़कर जितनी स्त्रियों से संबंध रखने वाले होते हैं वो सब मिसेज में जाते हैं, माने मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर में रात को सोएं वो मिसेज होती है, पत्नी को छोड़कर। अब यहां धर्म पत्नी को मिसेज बनाने में लगे हुए हैं, मूर्खों के मूर्ख पता नहीं कहां से पैदा हुए। मिस्टर का मतलब उल्टा है, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ आप रात बिताएं वो मिस्टर होता है, यहां पति को मिस्टर बनाने में लगे हो। छोड़िए इन अंग्रेजी शब्दों को, इनमें कुछ दम नहीं। और एक तो सबसे खराब अंग्रेजी शब्द है, पता नहीं लोग बोलते कैसे हैं उसको, मैडम। आप जानते हैं मैडम कौन होता है यूरोप में? अंग्रेजों की संस्कृति में जहां पर परिस्त्री गमन होगा वहां वैश्यावृत्ति होने वाली है कि नहीं? परिस्त्री गमन पर पुरुष गमन, वैश्यावृत्ति चरम पर होगी। तो वैश्याएं जो अपने कोठों को चलाती हैं, अपने वैश्यावृत्ति के काम में लगी हुई वैश्याओं की जो प्रमुख वैश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हिंदुस्तान में अपनी बहनों को मैडम कह देते हैं, ऐसे मूर्ख लोग मैंने इस देश में देखे हैं। अपनी धर्मपत्नी को मैडम कहने में शर्म नहीं आती, ओ मैडम इधर आओ, और वो धर्मपत्नी को भी शर्म नहीं आती मैडम कहलवाने में, वो भी कहती है मैडम कहो मुझको, जान तो लो कि मैडम होती कौन है, फिर कहलवाओ। अपने भारत में कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं, श्रीमती, श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि, बुद्धि माने सरस्वती लक्ष्मी। तो जहां सरस्वती लक्ष्मी एक साथ निवास करे वो श्रीमती, उसको हमने मिसेज बना दिया।
ये मूर्खाधिपति हमारे देश में अंग्रेजी पढ़े लिखे, इन्होंने बड़ा सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया इस देश का। इस अंग्रेजी भाषा ने किया, फिर इन्होंने और ज़्यादा किया। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस अंग्रेजी भाषा में मत फंसिए, कुछ इसमें रखा नहीं है, दम नहीं है। कभी कभी तो मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, इतना गुस्सा आता है मुझे, कभी कभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घर में जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उनके माता पिता कहते हैं, देख बेटा अंकल आए हैं, जरा पोएम तो सुना। मैं कहता हूँ भाई मैं अंकल नहीं हूँ, मुझे या तो मामा बना लो या चाचा बना लो, दोनों में ही आपका फायदा है, मेरा भी फायदा है। मामा बनो तो भी फायदा, चाचा बनो तो भी फायदा, अंकल में तो कुछ रखा नहीं है। फिर उनके माता पिता को कहता हूँ, ये आप इनको पोइम क्यों सुनवाते हैं, कविता सुनवाओ ना। तो उनको पोइम और कविता का अर्थ ही पता नहीं है, पोइम अलग है कविता अलग है। अब वो बच्चे चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से और पोइम सुनाते हैं मुझको, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। अब मैं बच्चे को पूछता हूँ, तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है? नहीं मालूम। किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछा, आपको अर्थ मालूम है रेन रेन गो अवे? नहीं मालूम। किसने बताया? टीचर ने बताया। टीचर को पूछो, उनको भी अर्थ नहीं मालूम, तो रटाया क्यों फिर बच्चे को, अर्थ ही नहीं पता। फिर बच्चों को मैं बता दूं, देखो इसका अर्थ ये है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है, माने छोटे बच्चे को खेलना है, इसलिए वो बारिश को कह रहा है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब ये बच्चे कविता गा रहे हैं, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ, मुझे खेलना है, और ये ईश्वर से प्रार्थना के रूप में कविता है। करोड़ों बच्चों ने ये कविता गाई और ईश्वर ने सुन ली, तो बारिश को वापस बुला लिया तो क्या होने वाला है? बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो आप भी भूखे मरेंगे, मैं भी मरूंगा, किसान भी मरेंगे। इतनी अकल नहीं है हमको, ये रेन रेन गो अवे कितनी खतरनाक चीज है। हमारे भारत में 60% खेती बारिश पर होती है, 40% खेत में ही सिंचाई की व्यवस्था है। जब 60% खेती बारिश पर हो तो बारिश ज्यादा होनी चाहिए इस देश में, ऐसी कविताएं हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? लेकिन वो कविताएं मातृभाषा में हो सकती हैं, अंग्रेजी में नहीं हो सकते। मैं एक मराठी मातृभाषा की कविता सुनाता हूं आपको, अर्थ बहुत सीधा है उसका। वो कविता है, ये रे पाउसा तोला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाउसाला मोटा। ये रे माने आओ आओ, जल्दी जल्दी बारिश तुम आओ, पाउसा माने बारिश, मराठी में कह रहे हैं बारिश बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, नहीं आओ तो मैं पैसा देने को तैयार हूं, तुम आ जाओ क्योंकि मुझे बारिश की जरूरत है, क्योंकि खेत को पानी की जरूरत है, क्योंकि 60% खेती बारिश पर आधारित है। तो भारतीय कविता बारिश को बुलाने वाली होती है और अंग्रेजी कविता बारिश को भगाने वाली होती है, क्योंकि इंग्लैंड में मौसम खराब रहता है, कभी भी बारिश आती है, इसलिए वहां के बच्चे कहते हैं रेन रेन गो अवे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।